गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू टुडेज लेक्चर ऑफ वाटर हैमरिंग इन प्रोसेस प्लांट्स। फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में बेसिकली मैं आपको ये बताऊंगा कि वाटर हैमरिंग क्या होती है, कौन से रीजंस हैं जिनकी वजह से वाटर हैमरिंग होती है और उसके क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज़्यादा पॉसिबल है उतना ज़्यादा वीडियोज को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, ये जितने भी लेक्चर्स हैं इन सारे के पीडीएफ मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगा। सो जिसको भी वहां से पीडीएफ डाउनलोड करने हो वो वहां से जाके इजिली इसके पीडीएफ डाउनलोड कर सकता है। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं वाटर हैमरिंग ड्यू टू लिक्विड्स। फ्रेंड्स, एक्चुअली जब भी लिक्विड किसी पाइप में मूव करता है तो उसकी वेलोसिटी काफी हाई रहती है। अगर ऐसे हाई वेलोसिटी फ्लूइड को अगर हम उसकी डायरेक्शन सडन चेंज कर देते हैं या फिर हम उस लिक्विड का मूवमेंट सडनली रोक देते हैं, इन दैट केस वाटर हैमरिंग होने के चांसेस रहते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप नॉर्मल डेफिनेशन देखें तो प्रेशर कॉस्ट व्हेन अ फ्लूइड अब्लिक गैस दैट इज इन मोशन इज फोर्स टू स्टॉप और चेंजेस इट्स डायरेक्शन सडनली। फ्रेंड्स, अगर ऐसा कोई भी केस होता है तो इन दैट केस वाटर हैमरिंग हो सकती है। लाइक फ्रेंड्स, आप इस एग्जाम्पल को देखिए तो ये नॉर्मल पाइपलाइन है जिससे वाटर फ्लो, ये नॉर्मल पाइपलाइन है जिसमें वाटर भरा हुआ है और ये वॉल्व बंद है। फ्रेंड्स, सेकंड में बेसिकली मैं ये वॉल्व ओपन करता हूं और वाटर इससे मूव करना शुरू कर देता है। सो फ्रेंड्स, जब मैं सडनली इस वॉल्व को बंद करता हूं तो बेसिकली यहां पे वाटर हैमरिंग होती है। फ्रेंड्स, इट ऑकर्स व्हेन अ वॉल्व इज क्लोज सडनली एट द एंड ऑफ अ पाइपिंग सिस्टम एज अ प्रेशर वेव प्रोपोगेट्स इन इट। फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं इंपैक्ट्स क्या होते हैं आपका वाटर हैमरिंग के, सो फ्रेंड्स, वाटर हैमरिंग का सबसे बड़ा इंपैक्ट ये रहता है कि लाइन में आपके जो भी इंस्ट्रूमेंट्स लगे रहते हैं, लाइक आपके फ्लो मीटर्स हो गए या फिर आपके जितने भी मींस पाइप के जॉइंट्स रहते हैं, वहां पे जो भी वीकेस्ट पोर्शन उसको मिलेगा उस पॉइंट से बेसिकली लीकेज होने लगता है। फ्रेंड्स, दोबारा रिपीट करता हूं, वाटर हैमरिंग के केस में आपकी हाई प्रेशर की एक वेव ट्रेवल करती है एक जगह से दूसरी जगह। सो फ्रेंड्स, इन दैट केस जो भी वीकेस्ट पॉइंट होगा पूरी की पूरी पाइपलाइन का, इधर वो फ्लैंज जॉइंट हो या फिर पाइप हो या फिर आपका कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, वहां से बेसिकली आपका डैमेज हो सकता है। सो फ्रेंड्स, होप आपको वाटर हैमरिंग क्यों होती है, कैसे होती है, वो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। नाउ फ्रेंड्स, सेकंड बेसिकली हम बात करते हैं वाटर हैमरिंग ड्यू टू स्टीम। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है कि स्टीम जब आपका पाइपलाइंस में मूव करती है तो आपका रेडिएशन लॉसेज होते हैं और स्टीम जैसे जैसे ट्रेवल करती है स्टीम आपकी अपना टेम्परेचर लूज करती जाती है, जिसकी वजह से आपका जो थोड़ी बहुत स्टीम है वो बेसिकली कंडेंस होती रहती है। सो फ्रेंड्स, बेसिकली अगर स्टीम आपकी थोड़ी बहुत कंडेंस हुई है तो वो पाइप के नीचे के सरफेस पे रहती है, कंडेंसेट नीचे के सरफेस पे रहता है और स्टीम आपके ऊपर के सरफेस से मूव करती रहती है। थर्ड वन फ्रेंड्स, अगर आपका मींस थोड़ा सा ज्यादा कंडेंसेट हो गई है तो स्टीम जब आपकी हाई वेलोसिटी से मूव कर रही है तो वो अपने साथ में थोड़ा बहुत पानी कैरी ओवर करेगी। बट फ्रेंड्स, अगर काफी ज्यादा स्टीम कंडेंस हो गई आपकी पाइपलाइन में, इन दैट केस जो स्टीम हाई वेलोसिटी से आ रही है वो अपने साथ में पूरे के पूरे जो कंडेंसेट पाइप में भरा हुआ है उसको अपने साथ में वो मूव करवाती है। सो फ्रेंड्स, अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके समझाता हूं। अगर आपके पाइप में बेसिकली कंडेंसेट भरा हुआ है तो जब स्टीम उसके कांटेक्ट में आती है, बिकॉज कंडेंसेट आपका स्टैग्नेंट है बट जो स्टीम आपकी मूव कर रही है उसकी वेलोसिटी नियर अबाउट 15 to 20 meters per second हम लेके चलते हैं, तो फ्रेंड्स वो हाई वेलोसिटी स्टीम आपकी बेसिकली कंडेंसेट को अपने साथ में मूव करवाती है, जिसकी वजह से आपकी रिपल्स क्रिएट होती है बिकॉज स्टीम आपकी कंडेंसेट को अपने साथ में मूव करा रही है। बट फ्रेंड्स, अगर आपका जो पाइप है वो पूरा का पूरा भरा हुआ है कंडेंसेट्स में, इन दैट केस क्या होगा कि जो स्टीम आ रही है वो पूरे के पूरे कंडेंसेट को अपने साथ में मूव करवाएगी विद, बिकॉज स्टीम की वेलोसिटी काफी हाई है तो वो काफी हाई वेलोसिटी के साथ में उसको मूव करवाएगी। सो फ्रेंड्स, जब ये हाई वेलोसिटी मींस या हाई काइनेटिक एनर्जी का जो कंडेंसेट है वो जब आगे की तरफ मूव करता है और आगे चाहे वॉल्व हो या किसी भी तरीके का ऑब्स्ट्रक्शन रास्ते में आता है, जब वो उससे टकराता है तो बेसिकली वो वहां पे काइनेटिक एनर्जी जो है वो बेसिकली अपनी काइनेटिक एनर्जी को लूज करता है और वो काइनेटिक एनर्जी प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है और वो प्रेशर एनर्जी बेसिकली जो भी पॉइंट मिलेगा उसे जहां पे भी वो जाके टकराएगा वो वहां पे बेसिकली अपनी सारी की सारी एनर्जी वो रिलीज कर देता है। सो फ्रेंड्स, इन दैट केस जो भी वीकेस्ट पॉइंट होगा पाइप में,
वहां से बेसिकली लीकेज होने के चांसेस जो है वो मेरे बढ़ जाते हैं। सो फ्रेंड्स, होप आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि वाटर हैमरिंग स्टीम कंडेंसेट के केस में क्यों होती है। फ्रेंड्स, एक और चीज याद रखिएगा, जब भी हम स्टार्टअप करते हैं किसी नई लाइन का, इन दैट केस स्टार्टअप में क्या रहता है, पूरी की पूरी लाइन मेरी बिल्कुल ठंडी पड़ी रहती है, तो जब हम उसमें स्टीम चालू करते हैं तो वहां पे मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि वहां पे मेरा जो कंडेंसेट है वो काफी ज्यादा फॉर्म होगा, बिकॉज पूरी लाइन मेरी ठंडी पड़ी हुई है। सो फ्रेंड्स, याद रखिएगा, जब भी हम लाइन स्टार्ट करते हैं तो पहला हमारा काम ये रहता है कि जितने भी ट्रैप्स हमारे लाइन में दिए हुए हैं, हम हर एक ट्रैप से जो भी उसमें पहले से पड़ा हुआ कंडेंसेट है उसको रिमूव करें, और स्टीम जब चालू करें तो कुछ देर हम पूरे के पूरे जो भी ट्रैप्स हैं उनको थोड़ा सा ओपन करके रखें, ताकि जो भी हमारा कंडेंसेट लाइन में शुरू में प्रोड्यूस होता है वो बेसिकली कंडेंसेट हमारा रिमूव होता रहे। अदरवाइज फ्रेंड्स, होगा क्या कि हमारी लाइन में जोर जोर से हैमरिंग चालू हो जाएगी और जो भी वीकेस्ट पॉइंट होगा वहां से बेसिकली हमारा लॉस, हमारा लीकेज हो सकता है। नाउ फ्रेंड्स, हम बात करते हैं कि एक्चुअल में ऐसा होता क्यों है। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्टीम की वेलोसिटी होती है 15 से 20 मीटर पर सेकेंड, बट जो पानी की वेलोसिटी होती है वो होती है 1.2 से 2 मीटर पर सेकेंड पाइप्स में। बट फ्रेंड्स, जब वाटर हैमरिंग होती है तो जो कंडेंसेट होता है पाइप के अंदर, वो पानी स्टीम अपने साथ में कंडेंसेट को ड्रैग करती है, जिसकी वजह से फ्रेंड्स क्या होता है, जो आपका कंडेंसेट है वो भी बेसिकली हाई वेलोसिटी से ट्रेवल करता है, जो वेलोसिटी नियर अबाउट 10 टाइम्स मोर होती है देन आइडल वाटर वेलोसिटी की। सो फ्रेंड्स, जिसकी वजह से बेसिकली आपका क्या होता है कि जो टोटल प्रेशर इंपैक्ट होता है ड्यू टू वाटर हैमरिंग वो काफी ज्यादा होता है विद कंपेरिजन टू नॉर्मल वाटर, जिसकी वजह से आपके लीकेज होने के जो चांसेस होते हैं पाइपलाइंस में वो काफी ज्यादा इंक्रीज कर जाते हैं। इसीलिए फ्रेंड्स, हमेशा याद रखिएगा कि वाटर हैमरिंग को हमें अवॉइड करना है पाइपलाइंस में। मैं बेसिकली आपको स्टेप बाय स्टेप मैनर में बताऊंगा कि कंडेंसेशन की वजह से बेसिकली वाटर हैमरिंग कैसे होती है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले स्टेप में बेसिकली आप देखेंगे कि आपका जब स्टीम है वो किसी भी पाइप से फ्लो करती है तो बेसिकली हीट लॉसेज होते हैं सरफेस के थ्रू, आप सबको पता है। सो फ्रेंड्स, जब आपके हीट लॉसेज होंगे सरफेस के थ्रू तो स्टीम जो है वो बेसिकली मेरी कंडेंस होगी। सो फ्रेंड्स, स्टीम जैसे ही कंडेंस होगी वो बेसिकली पाइप में कंडेंसेट जमा होना चालू हो जाएगा हीट लॉस जैसे जैसे होगा। सो फ्रेंड्स, पहले स्टेप में हीट लॉस की वजह से कंडेंसेट प्रोड्यूस हुआ। जो फ्रेंड्स सेकेंड स्टेप है, सेकेंड स्टेप में बेसिकली आपका क्या होगा कि कंडेंसेट और स्टीम दोनों के दोनों आपके यहां पे पाइप में कंडेंसेट भी प्रेजेंट है और स्टीम भी प्रेजेंट है। सो फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं पे बेसिकली पाइप में ऐसा रीजन आएगा कि स्टीम जो है वो कंडेंसेट को अपने साथ में मूव करवाएगी और आपका कंडेंसेट की वजह से वेव्स जैसी जनरेट होंगी कंडेंसेट की। सो फ्रेंड्स, सेकेंड स्टेप में बेसिकली आपका स्टीम की वेलोसिटी की वजह से कंडेंसेट की वेव्स जैसी कहीं कहीं पे बीच बीच में पाइप्स में जनरेट होने लगेंगी। थर्ड में फ्रेंड्स क्या होता है आपका कि जो स्टीम जो है वो जब आपकी कंडेंस होती है तो वो काफी कम स्पेस लेती है, मींस नियर अबाउट 1000 टाइम्स लेसर स्पेस इन कंडेंस टू इन कंपैरिजन टू स्टीम। आपका जैसे ही स्टीम कंडेंस होती है वो स्पेस इतनी कम हो जाती है, जिसकी वजह से फ्रेंड्स क्या होता है वहां पे बेसिकली वॉइड्स, मतलब खाली जगह जैसी क्रिएट होती है। सो फ्रेंड्स, ये जो वॉइड्स हैं ये क्या होता है, सडनली कोलैप्स कर जाते हैं जैसे ही वाटर अंडर स्टीम प्रेशर इसकी तरफ में पहुंचता है। सो फ्रेंड्स, और जो फाइनल स्टेप होता है इसमें बेसिकली आपका जो पूरा का पूरा पाइप होता है ये बेसिकली इसमें अच्छा खासा पानी कंडेंसेट भर जाता है, जिसकी वजह से आपका जो भी स्टीम है वो स्टीम इस पे आती है और पूरे के पूरे कंडेंसेट को अपनी ही वेलोसिटी के साथ में ये आगे की तरफ मूव करवाती है। सो फ्रेंड्स, होप आपको अब ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि स्टेप बाय स्टेप मैनर में किस तरीके से आपकी वाटर हैमरिंग होती है। फ्रेंड्स, हम बात करते हैं बेस्ट प्रैक्टिसेस की जो हमें फॉलो करनी चाहिए टू अवॉइड वाटर हैमरिंग। पहला फ्रेंड्स, ड्यूरिंग स्टार्टअप ऑफ प्लांट ऑल द कंडेंसेट शुड बी ड्रेन्ड प्रॉपरली। जो भी आपकी स्टीम की लाइंस में कंडेंसेट प्रेजेंट है उसको कायदे से ड्रेन आउट कीजिए। सेकेंड, स्टीम की लाइंस जो है दे शुड ऑलवेज बी इंस्टॉल्ड विद अ ग्रेजुअल स्लोप इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो होना चाहिए, ताकि कंडेंसेट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इजिली रिमूव हो सके। थर्ड वन, इंस्टॉलिंग ऑफ स्टीम ट्रैप एट रेगुलर डिस्टेंसेस। रेगुलर डिस्टेंसेस के बाद में आपकी लाइंस में स्टीम ट्रैप प्रेजेंट होने चाहिए। फोर्थ वन, आपको ये एंश्योर करना है कि जितने भी स्टीम ट्रैप्स आपने लगाए हैं वो सारे के सारे स्टीम ट्रैप्स आपकी अच्छी कंडीशन में है और उनकी पीरियोडिक चेकिंग टाइम टू टाइम
उनकी पीरियोडिक चेकिंग थर्ड पार्टी से करवानी चाहिए ताकि वो स्टीम ट्रैप्स प्रॉपर काम कर रहे हैं या नहीं, ये भी आपको क्लियर हो। नेक्स्ट वन इज फ्रेंड्स शेड्यूल रिमूवल ऑफ कंडेंसेट फ्रॉम द बाईपास इफ ट्रैप्स आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली। अगर आपके जो ट्रैप्स है वो प्रॉपरली काम नहीं कर रहे हैं तो आपको एक प्रॉपर शेड्यूल बना के उसके कंडेंसेट को ड्रेन करना चाहिए, अदरवाइज आप ट्रैप रिमूव करवा दीजिए और नए ट्रैप्स लगाइए, वो सबसे बेस्ट है। नेक्स्ट वन इज सैगिंग टू बी अवॉइडेड इन पाइपलाइंस। अगर पाइपलाइंस में कहीं पे सैगिंग हो रही है तो वो आपको मींस रिमूव करनी है या फिर अवॉइड करनी है। और लास्ट वन बट नॉट द लिस्ट कि आपको जो भी स्टीम की लाइन है उसमें बेसिकली इंसुलेशन आपको चेक करना है, आपका कहीं पे भी इंसुलेशन डैमेज नहीं होना चाहिए। अदरवाइज फ्रेंड्स अगर कहीं पे भी आपका इंसुलेशन डैमेज होगा तो बेसिकली वहां से होने वाले जो हीट लॉसेज हैं वो आपके काफी ज्यादा इंक्रीज कर जाएंगे, जिसकी वजह से आपकी जो लाइन है उसमें कंडेंसेट काफी ज्यादा अमाउंट में जमा हो सकता है, जो आपके प्रोसेस को बुरी तरीके से हैम्पर कर सकता है और इवन लाइंस को भी डैमेज कर सकता है। सो फ्रेंड्स दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। कल के लेक्चर में बेसिकली मैं आपको ये बताऊंगा कि स्टेनर्स कितने तरीके के रहते हैं जो बेसिकली आपने इंडस्ट्रीज में देखे होंगे और उनका क्या यूज रहता है। सो फ्रेंड्स टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।